नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे ब्रेड की एक स्वीट डिश, जिसको आप घर पे आसानी से बना सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है, वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। मैंने लिए दो ब्रेड, ब्रेड मेरे पास है जम्बू। आप छोटी ब्रेड को भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से उसका ब्राउन पार्ट जो था चारों साइड से मैंने काट लिया है। अब इसके बराबर दो हिस्से कर लिया है मैंने। अब इसके इधर से चार हिस्से कर लिए हैं। मेरे हो गए दो ब्रेड के 8 पीस। इस तरीके से मैंने काट लिए हैं, आप देख सकते हो। आप अपने हिसाब से भी काट सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। अब इनको फ्राई कर लेंगे तेल में। मैं कर रहा हूँ तेल यूज, आप घी में फ्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेस्ट भी बनेगा। इसी तरीके से हमको सबको फ्राई कर लेना। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। और ये बनने वाली चीज़ है बहुत कम इंग्रीडियंट में और सबसे आसान रेसिपी है। इस तरीके से ये दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तेल निकलने के बाद इसको डालना है सिरप में। सिरप मेरे पास पहले से था, आप सिरप बना सकते हो या आपके पास हो तो उसको हल्का सा गर्म करके इस तरीके से इसको डिप करके प्लेट में निकाल देने का। ज़्यादा देर तक हमें छोड़ने का नहीं। इसमें इस तरीके से इसको डुबो के और निकाल देने का तुरंत। ज़्यादा देर तक इसमें छोड़ना नहीं, नहीं तो ब्रेड गल जाएगी। अब इस तरीके से एक प्लेट में रख लेंगे सबको। अब इसके ऊपर डालूंगा मैं यहाँ पे रबड़ी। रबड़ी आपको कैसे बनाना है, मेरे पास पहले से बनी हुई थी। आप दूध को गाढ़ा करें, या आपके पास जल्दी बनाना है तो आप दूध में मिल्क पाउडर मिलाएं, उससे भी जल्दी बन जाएगा। इस तरीके से रबड़ी लगा देंगे और इसके ऊपर जो 4 पीस है उसको इस तरीके से कवर कर देंगे। सारे पीसों को इस तरीके से कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम फिर रबड़ी, जो ब्रेड की बीच में रबड़ी, फिर ऊपर रबड़ी। इस तरीके से लेयर बना देंगे रबड़ी की, आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से लेयर बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की रेसिपी मेरे YouTube चैनल से पहले से ही अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। इस तरीके से मैंने लगा दिए गुलाब जामुन 1 के 2 करके। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगा इसे सपोर्ट के लिए थोड़ा सा टूथपिक। अगर आपके पास गुलाब जामुन ना हो तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालें और तब भी आपका काम बन जाएगा। अब इसे कर देते हैं सर्व। इस तरीके से मैं प्लेटिंग कर रहा हूँ इसकी सिंपल। इस तरीके से मैंने सभी पीस को लगा दिया। यह हमारा बन गया गुलाब जामुन शाही टुकड़ा विद गुलाब जामुन। आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।